Hey everyone, thanks for watching your favorite YouTube channel ILS Plaza. Welcome back in another video. तो आज दी वीडियो इंपोर्टेंट है जी पंजाब बोर्ड के बच्चों लिए जिन्हों लिस्ट ऑफ हैडिंग दे विच प्रॉब्लम आती है एक अजिही टकनीक जिस दे नाल आपां नूं ज़्यादा ट्रांसलेशन की लोड़ भी नहीं हैगी उस तरीके दे नाल आपां अज लिस्ट ऑफ हैडिंग नूं सॉल्व करांगे क्योंकि पंजाब बोर्ड के बच्चों जो जी मेन प्रॉब्लम आती है वो ट्रांसलेशन की ही आती है। जे तुसीं एक पैराग्राफ दे विचों 40-50% ट्रांसलेट कर लैंदे हो तां तुहाडे लई इनफ आंसर नूं फाइंड करना तुसीं आंसर नूं फाइंड कर सकते हो। तो अज दी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है, वीडियो लंबी हो सकती है पर तुहानूं चंगे तरीके दे नाल समझ जरूर आएगी। तो वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी जी बेनती है, अगे रिक्वेस्ट है जो तुम फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो। तो स्टार्ट करते हैं अज की यह वीडियो। तो यह मेरे को ब्रिटिश कौंसल की बुक, आपको पता कि ब्रिटिश कौंसल इंडिया में एग्जाम नहीं लै रही पर फिर भी मैं ये रीडिंग सॉल्व कर रहा क्योंकि एक तो रीडिंग काफ़ी डिफिकल्ट कह सकते हैं, इस मतलब कि डिफिकल्ट वर्ड्स ने तो आपको पता चलूगा भी जी आपको ट्रांसलेशन नहीं भी आती तो आप आंसर को किदा फाइंड करना। तो सब तो पहला काम आप करना की है, सब तो पहला आप देखने भी पैराग्राफ किन्ने ने, इतने 6 पैराग्राफ ने, तो उस तो बाद देखने भी अपने को लिस्ट ऑफ हैडिंग किन्ने ने, इतने लिस्ट ऑफ हैडिंग अपने को 9 ने, 9 लिस्ट ऑफ हैडिंग ने, मतलब कि 3 लिस्ट ऑफ हैडिंग अपने को वाधू ने एक्सट्रा ने जिड़े कि आप कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। आपको इस तो कोई काम नहीं, कई ट्रेनर कहते हैं, कई इंस्टीट्यूट वाले दसते हैं, तो कई पास सुनिया होगा भी सब तो पहला आप लिस्ट ऑफ हैडिंग पढ़ने है, हैडिंग नू पढ़ना की जो कीवर्ड्स ने उन्होंने अंडरलाइन करना, पर यह टेक्नीक वधिया नहीं हैगी। मैं तुहानू दस देना चाहना सब तो बेस्ट टेक्नीक है कि तुसी लिस्ट ऑफ हैडिंग दे वल ध्यान नहीं देना। सब तो पहला जो मेन काम तुसी करना पैराग्राफ नू पढ़ने का, आप पहला पैराग्राफ पढ़ांगे उस तो बाद एलीमिनेट मैथड के नाल आंसर नू लभण की कोशिश करांगे। ठीक है, देखांगे भी अजे आप 40-50% आप ट्रांसलेशन कर लैने तो अपने लिए इनफ आंसर नू फाइंड करना। तो शुरू कर दें अज की यह वीडियो। तो हम आप फस्ट पैराग्राफ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र के माइल डेविस वॉज गिवन हिज फस्ट ट्रम्पट। ट्रम्पट हों एक बाजा जी टाइप का होंगे, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हों। लैसनस वर अरेंज विद ए लोकल ट्रम्पट प्लेयर, जो लैसन से वो विद जे लोकल बाजा बजाने वाले से उन्होंने लैसन हुए। एंड ए म्यूजिकल ओडेसी बिगेन दीज अर्ली लैसन पेड फॉर एंड सपोर्टड बाय हिज फादर। जे लैसन से वो मतलब कि उन्होंने लैसन सपोर्ट किया गया, मतलब कि उन्होंने लैसन प्रोवाइड करवाउन के पैसे दिए गए उसके फादर के वालों। हैड ए प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन सेपिंग डैविस सिग्नेचर साउंड, ताकि डैविस का एक सिग्नेचर साउंड बन सके जिस एक अलग पहचान बन सके। बेयर्स मोस्ट ट्रम्पटर्स ऑफ एरा फेवर द यूज ऑफ वाइब्रेटो, जेडे मोस्ट जे कि बाजा बजाने वाले से वो मतलब कि यूज ऑफ वाइब्रेटो कोई इंस्ट्रूमेंट हो आप नहीं पता की, आप अगे बढ़ते हैं। डैविस वॉज टाउट टू प्ले विद ए लोंग स्ट्रेट टोन ए प्रैफरेंस हिज इंस्ट्रक्टर रिपोर्टली ड्रिल्ड इन टू द जंग ट्रम्पटर विद ए रैप ऑन द नकलैस एवरी टाइम डैविस बिगेन यूजिंग वाइब्रेटो। मतलब कि काफ़ी ज्यादा कन्फ्यूजिंग जी लैन आप, मान लो इतने कुछ नहीं समझ आई, बस इन्नी गल समझ आई है भी वो मतलब कि किदा वो बजाऊँगा डैविस वॉज टाउट उन किदा सिखाया गया इस बारे गल की गई है। आपको छड़ देने अगे पढ़ते हैं। दिस क्लीयर डिस्टिंगटिव स्टाइल नैवर लैफ्ट डैविस, तो आह स्टाइल नैवर ने आ स्टाइल ने मतलब कि डैविस को कदे भी छड़िया नहीं। ही कंटिन्यूड प्लेइंग विद इट फॉर द रैसट ऑफ हिज करीयर, तो उन्हें इदा ही मतलब कि अपने सारे करीयर से उन्हें इदा ही मतलब कि जोड़ा ट्रम्पट से वो प्ले किया। He continued playing with it for the rest of his career, once remarking, "If I cannot get that sound, I cannot play anything." वो कहता सी जे मैं आ साउंड नहीं मतलब कि पा सकता तो मैं कुछ भी प्ले नहीं कर सकता। मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंट बारे गल की गई है, वह किदा बाजा बजाता सी, किदा उन्हें लैसन ले, तो आप चलते हैं इतने किसी आप लभण की कोशिश करते हैं हूँ आंसर नूं। तो तुम देखो किसी पास फॉर्मल एजुकेशन की गल हुई, कितने भी गल नहीं हुई। एन एजुकेशन कितने वो एजुकेशन की गल नहीं हुई, जिथे वो एजुकेशन टू पार्ट्स में वंडिया गया हो। ब्रांचिंग आउट इन न्यू डायरेक्शन, किसी नए डायरेक्शन की कोई गल नहीं की गई। चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ, वो फैमिली की कोई गल नहीं हुई, वो चाइल्डहुड बारे कोई गल नहीं हुई। चेंज नेसेसरी टू स्टे क्रिएटिव, उन्हें कोई चेंज नहीं किया। कन्फ्लिक्टेड ओपीनियन ओवर डैविस अर्लीर वर्क, कोई ओपीनियन नहीं दिए गए। डैविस यूनीक स्टाइल ऑफ ट्रम्पट प्लेइंग, इनू आप रख लें अगे। परसनल एंड प्रोफेसनल स्ट्रगल, उसकी स्ट्रगल की भी इतने कोई गल नहीं हुई। मतलब कि अपना करैक्ट आंसर है 8th, डैविस यूनीक स्टाइल। डैविस का एक यूनीक स्टाइल से जोड़ा उन्हें अपने सारे करीयर में बना के रखिया, तो वह कहता से जे मैं ये नहीं पा सकता तो मैं कुछ भी प्ले नहीं कर सकता। मतलब कि यदा जो करैक्ट आंसर आ वो आ गया 8। आप मतलब कि थोड़ी जी मतलब कि ट्रांसलेशन के नाल आप अपना आंसर फाइंड कर लिया। हूँ आप पढ़ते हैं नैक्सट पैराग्राफ, तो हम आप नैक्सट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। हैविंग ग्रैजुएटड फ्रॉम हाई स्कूल इन 1944 डैविस मूव टू न्यूयॉर्क, मतलब कि ग्रैजुएट होने तो बाद वो न्यूयॉर्क सिटी चला गया। वेयर ही कंटिन्यूड हिज म्यूजिकल एजुकेशन बोथ इन द क्लब्स एंड इन द क्लासरूम, जिथे उन्हें अपनी जी म्यूजिकल एजुकेशन जी कंटिन्यू रखी एक पास क्लब के दूजे पास क्लासरूम के, मतलब कि दो पास एजुकेशन चल रही थी। हिज इनरोलमेंट इन द प्रेस्टिजियस जूलियर्ड स्कूल ऑफ म्यूजिक वाज
short lived. However, he soon dropped out criticizing, but he perceived as an over emphasis on the classical European repertoire and neglect of judge. मतलब कि इतने अपन कोई गल ज़्यादा गल समझ की लड़ नहीं, इतने यह दसया हुआ भी जो उन्हें स्कूल से अपना इतने स्कूल की गल हुई है, ठीक है, ये तुम आ वाली जगह से स्कूल की गल हुई है, तो इतने गल हुई हैगी ड्रॉपड आउट की. मैं तुम्हें दिखाना चाहना इतने गल हुई है ड्रॉपड आउट की, मतलब कि उन्हें सीधी आपका जो स्कूल से वो छड़ दिता. आप अगे चलते हैं. डेविस डिड लेटर अकनोलेज हाउएवर दैट दिस टाइम एट द स्कूल वॉज इनवैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ डिवेलपिंग हिज ट्रम्प्ट प्लेइंग टैक्नीक. मतलब कि जो स्कूल टाइम से वो काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल से, जिदा कोई मुल नहीं सी, क्योंकि उसने उधर ट्रम्प्ट प्लेइंग की टैक्नीक डिवेलप किया एंड गिविंग हिम ए सॉलिड ग्राउंडिंग, एक बढ़िया वो ग्राउंड तैयार किया इन म्यूजिक थ्योरी. मच ऑफ हिज अर्ली ट्रेनिंग टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ जैम सैशन. जी ज़्यादा वो ट्रेनिंग से वो जैम सैशन के रूप में हुई एंड परफॉर्मेंस इन द क्लब्स ऑफ 52nd स्ट्रीट. तो उन्हें जिड़िया क्लब के 52nd स्ट्रीट के जो कि क्लब से उत्थे जी उन्हें परफॉर्मेंस की ज़्यादा ट्रेनिंग उत्थे ही हुई. वेयर ही प्लेड अलोंगसाइड बोथ अप एंड कमिंग एंड इस्टैबलिश मैंबर ऑफ द जज पैंथियन. इतने ना दिता हुआ सच एज उन्हें जो मैंबर क्रिएट किए अपने कॉलेमोन, हॉकिंस, एडी, लॉकजा, डेविस एंड मतलब कि ये भी अपने कोई ज़्यादा जरूरत दी यदि अपन कोई ज़्यादा लोड़ नहीं हैगी. हूँ आप आंसर फाइंड करना. आंसर के अपन की दिता हुआ भी जी ट्रेनिंग से एक पास तो वो ट्रेनिंग स्कूल के चल रही थी तो दूजे पास क्लब के चल रही थी. तो हूँ आप जो आंसर अपना हो चुके आप पहले उन्होंने कट कर देंगे, मतलब कि डेविस यूनीक स्टाइल ऑफ ट्रम्प प्लेइंग आप आंसर लभ लिया. तो एक फस्ट इधर आगा वह हैगा ए लैजिसी लैजिसी इज इस्टैबलिश. किसी लैजिसी की गल नहीं की गई. फॉर्मल एजुकेशन की गल हुई है, कोई फॉर्मल एजुकेशन की गल आप नहीं देखी, मतलब कि फॉर्मल एजुकेशन भी अपना आंसर नहीं आ. थलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. परसनल एंड प्रोफेसनल कोई उन्हें स्ट्रगल की गल नहीं की. कन्फ्लिक्टेड ओपीनियन ओवर डेविस अर्लीयर वर्क, कोई वो पुराने काम दी कोई गल नहीं की गई. ओपीनियन नहीं हुए. चेंज नेसेसरी टू स्टे क्रिएटिव, कोई उन्हें चेंज नहीं किए. वो चाइल्डहुड के बारे कोई ज़्यादा गल नहीं की गई, ना ही वो फैमिली लाइफ बारे गल की. ब्रांचिंग आउट इन न्यू डायरेक्शन, कोई नई मतलब कि नवी डायरेक्शन उन्हें नहीं लभियां. एन एजुकेशन इन टू पार्ट्स, ये अपना करैक्ट आंसर आ. यह अपना करैक्ट आंसर क्यों आ, क्योंकि जी एजुकेशन से वह टू पार्ट चल रही थी. एक पास तो वह एजुकेशन अपनी कर रहा क्लासरूम के, दूजे पास वो कर रहा है इतने लिखा हुआ क्लब्स के, मतलब कि वो एजुकेशन दो तरीके दे चल रही थी. मतलब कि वी का अपना आ गया थर्ड, तो ये अपने दोनों कट हो गए. तो आप हूँ दो पैराग्राफ के आंसर फाइंड कर ले, तो नैक्सट आप रीड करा सी पैराग्राफ. तो हूँ आप रीड करते हैं सी पैराग्राफ. काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जहाँ पैराग्राफ आ, समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आ, औखा गा, पर जोड़ा आंसर आ एक लाइन के ही पिया साफ, मतलब कि क्लीयर वर्ड्स के आंसर पिया गा. इन द लेट 1940s डेविस कोलैबोरेटेड विद 9 अदर इंस्ट्रूमेंटल्स इनकलूडिंग ए फ्रेंच हॉर्न एंड ए ट्यूबा प्लेयर. मतलब कि उन्हें लेट 1940 उन्हें जो कलैब किया 9 अदर जोड़े होर मतलब कि जोड़े वे इंस्ट्रूमेंटल्स जोड़े होर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते इनकलूडिंग ए फ्रेंच, मतलब कि इतने अपन कोई ज़्यादा लोड़ नहीं हैगी. अगे पढ़ते हैं. द वर्थ ऑफ कूल एन एल्बम नाउ रिनाउंड फॉर द इन चोएट साउंडस ऑफ वट वुड लेटर बिकम नाउन एज कूल जैज. तो उन्हें एक एल्बम की इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉपुलर जस्ट स्टाइल ऑफ द डे विच फीचर रैपिड रोलिकिंग बीट्स. काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रांसलेशन आ, मतलब कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पर आंसर क्लीयर पिया. मैं तुम्हें दसूंगा कितने पिया. एंड शॉर्ट साप हॉर्न ब्लास्ट डेविस एल्बम बाज द फॉर्नर ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड थिन लाइट हॉर्न प्लेइंग हस्ट ड्रम्स एंड ए मोर रिस्ट्रेंड फॉर्मल अरेजमेंट आल्सो इट रिसीव्ड लिटल अक्लेम एट द टाइम. तो इतों पढ़ते हैं. दी वर्थ ऑफ कूल हैज़ बिकम रेकोगनाइज एज ए पिवोटल मूवमेंट इन जैज हिस्ट्री. कमेंटिंग अलोंगसाइड, इतों पढ़ते हैं, अलोंगसाइड हिज 1958 रिकॉर्डिंग काइंड ऑफ ब्लू डेविस लैजिसी एज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव म्यूजिशियन ऑफ हिज एरा. मतलब कि डेविस की एक लैजिसी बन चुकी थी कि एक मोस्ट इनोवेटिव म्यूजिशियन आ ऑफ द टाइम का. हूँ अपन आंसर मिल चुके हैं, तो आप लभदे हैं भी इन्हों में अपना आंसर किहड़ा गा. दो तो अपने पहला ही एलीमीनेट हो गए, दो अपन मिल चुके हैं. तो आप फस्ट तो रीड करते हैं. तो इतनी फस्ट ही अपना ए लैजिसी इज इस्टैबलिश, मतलब कि वह लैजिसी वो लीजेंड बन चुकिया से. यह अपना फस्ट आंसर आ गया सी पैराग्राफ का. मतलब कि यह तो क्लीयर ही पिया, पर स्टूडेंट डर जाते कि यार काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ट्रांसलेशन आ, पर आंसर क्लीयर पिया देख लिया. हूँ आप नैक्सट पैराग्राफ न रीड करते हैं, जाने कि डी पैराग्राफ देखते हैं इस विच की लिखा हुआ. तो हूँ आप पढ़ते हैं डी पैराग्राफ, जिथे जिथे इंपॉर्टेंट हो मैं उही तुहानू ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा. थॉट डेविस ट्रम्प्ट प्लेइंग मे हैव साउंडेड एफर्टलेस एंड ब्रीजी. दिस एज ए रेयरली कैरिड ओवर इन टू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. द अर्ली 1950s इन पर्टिकुलर वर ए टाइम ऑफ ग्रेट परसनल टर्मोइल आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ए स्टेंट इन पैरिस.
स्टेंट तो वापस आने के बाद डेविस सफर्ड फ्रॉम प्रोलोंग डिप्रैशन, जिदा कि डेविस ही वो डिप्रैशन का शिकार हो गया, विच ही एट्रीब्यूटेड टू द अनरिवीलिंग ऑफ ए नंबर ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि उन्हें जोड़े अपने जोड़े रिलेशनशिप से उन्होंने अनरिवील करता सी, शेयर करता सी लोगों के नाल। तो अगे पढ़ते हैं, इनकलूडिंग हिज रोमांस विद ए फ्रेंच एक्ट्रेस एंड सम म्यूजिशियल पार्टनरशिप दैट रपचर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्प्यूट्स, मतलब कि उन्होंने डिप्रैशन का शिकार होना पाया क्योंकि उन्हें अपने जोड़े रिलेशनशिप से, चाहे वह फ्रेंच एक्ट्रेस के नाल होन, चाहे वो जो म्यूजिकल पार्टनर से उन्होंने नाल, उन्होंने उन्होंने अनरिवील करता सी। डेविस वाज आलसो फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो गया बाय हिज परसैप्शन दैट ही हैड बीन ओवरलुकड बाय द म्यूजिक, क्योंकि उन्होंने ओवरलुक किया गया, वो वाल ध्यान नहीं दिता गया, उन्होंने ज़्यादा जोड़ा क्रैडिट नहीं दिता गया। हू वर हेलिंग द सक्सैस ऑफ हिज कोलैबरेटर्स एंड डिसेंडेंट्स इन द कूल ट्रेडिशन सच एज गैरी मूलीगन एंड डेब ब्रूबर्क, बट हू अफोर्डेड हिम लिटिल क्रैडिट, उन्होंने घट क्रैडिट दिता गया फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कूल साउंड इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब कि आपको चार पाँच लाइन समझ आई चंगी तरीके दे नाल, जिस दे विच आपको क्लीयर पता लग रहा इतने गल की गई है भी एक तो वो डिप्रैशन का शिकार हो गया, उस तो बाद एक फ्रस्ट्रेट भी हो गया सी, वो डिप्रैशन का शिकार तो होया सी क्योंकि उसके रिलेशनशिप से अनरिवील हो गए सी, ते जिहड़ा उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया गया सी, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया सी क्योंकि उन्होंने चंगी तरीके दे नाल क्रैडिट नहीं दिता गया सी, जिहड़े उहदे कोलैबोरेटर सी जिन्हां दे नाल उन्हें अपना जिहड़ा कम किया सी। उहनां आपां आंसर लभण दी ट्राई करदे आं, फस्ट अपना हो गया, उसके बाद आप नहीं जावे, आप जो फस्ट तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन अनहैल्पफुल, कोई गल नहीं हुई, किसी तरह की एजुकेशन की गल ही नहीं हुई। ब्रांचिंग आउट इन न्यू डायरेक्शन, कोई उन्हें नई डायरेक्शन नहीं लभिया। चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ, वो किसी भी तरीके के बचपन की गल नहीं हुई। चेंज नसैसरी टू स्टे क्रिएटिव, उन्हें कोई चेंज नहीं किया, ये अपना हो चुका जी। तो आ रह गया परसनल एंड प्रोफेसनल स्ट्रगल, परसनल स्ट्रगल उन्होंने देखिया पेखनिया पे प्रोफेसनल भी देखनी पी। परसनल की हो गया कि वह डिप्रैशन में वग गया क्योंकि वो रिलेशनशिप करके, तो प्रोफेसनल की सो फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्योंकि उन्होंने चंकी तरीके क्रैडिट नहीं दिता गया। मतलब कि नाइन अपना आंसर आ गया डी पैराग्राफ का, मतलब कि काफ़ी सिंपल तरीके आप लभ लिया चार पाँच लाइन की ट्रांसलेशन के बाद अपन डी का आंसर मिल गया, सारे पैराग्राफ में अपन समझने की कोई लड़ नहीं पई। तो हूँ आप पढ़ते हैं ई पैराग्राफ, इतने भी आप जी चीज़ आपको लड़ है उन्ना ही पढ़ा, ज़्यादा आप ट्रांसलेशन नहीं करते, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है पर तो समझ जरूर आऊगा जी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिदे आप आंसर मिलना, मैं तुम्हें उही ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। इन द लेटर डिकेट्स ऑफ हिज करियर, वो करियर के अगले 10 साल, डेविस ब्रोक आउट ऑफ एक्सकलूसिव जज, जिहड़ा कि उन्हें स्टाइल बनाया हुआ उन्होंने तोड़िया, एंड विगेन टू डाइवर्सिटी ऑफ हिज आउटपुट अक्रॉस ए रेंज ऑफ म्यूजिकल स्टाइल। इन द 1960 ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय अर्ली फंक परफॉर्मर, तो इन द 1960 मतलब कि फंक परफॉर्मर से जोड़े सिलाई तो फैमिली के वलों इन्फ्लुएंस किया गया लभ्या गया, विच दैन एक्सपेंडेड इन टू द जैज रॉक फ्यूजन जैनर ऑफ विच ही वाज ए फ्रोट रनर इन द 1970, मतलब कि उन्होंने उतों कम करवाया गया एक नवे तरीके की सी जैज रॉक फ्यूजन जैनर। इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग इफेक्ट्स एंड इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन टू हिज साउंड, मतलब कि जोड़े इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट से इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड ऐड किए गए, मतलब कि चेंज किया गया। बाय द 1980s डेविस वाज पुशिंग द बाउंड्रीज फर्दर कवरिंग पॉप एंथम सच एज, मतलब कि उन्हें पॉप एंथम बनाए, सैंडी लूपर्स टाइम आफ्टर टाइम एंड माइकल जैक्सन ह्यूमन नेचर, मतलब कि आपको कुल मिला के कहानी समझ आ गई भी की किया उन्हें आपके आप चेंज लिया, जिदा वो पहला म्यूजिक करता सी उस तो बाद उन्हें इलैक्ट्रॉनिक म्यूजिक इलैक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से इलैक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो ऐड किए गए थे उन्हें पॉप एंथम बनाई, मतलब कि यह गल कि उन्हें आपका जो म्यूजिक करियर में थोड़े जे चेंज किए थे। हूँ आप लभदे हैं आंसर, फॉर्मल एजुकेशन की कितने पास गल हुई है, बिल्कुल भी गल नहीं हुई, एक भी % गल नहीं की गई एजुकेशन के बारे। उस तो बाद अपना कट हो गया जी फॉर्मल एजुकेशन, तो उस तो बाद अपने दोनों कट्टे हुए ने। कन्फलिक्टेड ओपीनियन, किसी ओपीनियन की गल नहीं हुई। चेंज नसैसरी टू स्टे क्रिएटिव, कोई उन्हें आपके आप चेंज नहीं लिया, मतलब कि चेंज तो लिया पर यह नहीं दस्या गया भी चेंज नसैसरी सी, इस दे बारे कोई गल नहीं हुई। चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ, कोई गल नहीं हुई। तो फोर्थ रह गया ब्रांचिंग आउट इन न्यू डायरेक्शन, मतलब कि उन्हें नवी दिशावं लभिया उन्हें अपने करियर के लिए, फिर एक बार फिर तो मुड़ वापस आने के लिए, मतलब कि अपना आंसर हो गया फोर्थ ई पैराग्राफ का। तो हूँ अपने को पैराग्राफ रह गया एक, तो अपने को लिस्ट ऑफ हैडिंग रह गए चार, मतलब कि तीन हजे भी वाधू ने। तो हूँ आप लास्ट पैराग्राफ से जाने तो उन्होंने रीड करते हैं, देखते हैं उत्थे की लिखा हुआ। तो हूँ आप पढ़ते हैं एफ पैराग्राफ, इस लिखा हुआ नॉट एवरी वन वाज सपोर्टिव ऑफ डेविस चेंज ऑफ ट्यून, हर एक जी उन्हें चेंज अपनी ट्यून चेंज की, हर कोई
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸ ਅਰਲੀ ਕਰੀਅਰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਪਲੋਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਲਿੰਚ ਪਿਨਸ ਆਫ ਦਾ ਜੱਜ ਅਯੋਬ ਟਰੰਪਟਰ ਬਿਸਟਨ ਮਾਰਸੀਲ ਡਰਾਰਡ ਹਿਜ਼ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਇੰਗ ਨੋਟ ਟਰੂ ਜੱਜ ਐਂਡ ਪਾਇਨਸ ਵਿਲ ਇਵਾਂਸ ਡੀਨੋਸਡ ਦਾ ਕਰਪਟਿੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੋਟਿੰਗ ਦੈਟ ਰੌਕ ਐਂਡ ਪੋਪ ਡਰਾ ਵਾਈਡਰ ਆਡੀਅੰਸਿਸ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਫੇਸ ਆਫ ਦਿਸ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਵਿਸ ਰਿਮੇਨਡ ਡੈਫੀਐਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਹਿਜ਼ ਅਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਨ ਅ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਫੀਲ ਫਾਰ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਹੀ ਫਰਮਲੀ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਟੈਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇਨਰਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਂਪਰਡ ਹਿਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀ ਫਰਮਲੀ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸਟੈਲਿਸਟਿਕਲੀ ਇਨਰਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਹੈਂਪਰਡ ਹਿਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿਵ ਡੈਬਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊਲ ਇਰਵੈਂਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਫ ਜੈਨਰ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਰਲੀ ਏ ਰੀਵੈਲੀਅਨ ਬਟ ਐਨ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ए नसैसरी पाथ दैट अलाउड हिम टू रिलीज़ हिज फुल म्यूजिकल पोटेंशियल। एक मतलब कि जिहड़ा उन्हें अपने आप सुधार किया, एक नसैसरी पाथ से, एक जरूरी पाथ से दैट अलाउड हिम टू, जिहड़ा उन्हें अलाउ करता सी अपनी जिहड़ा फुल म्यूजिक पोटेंशियल आ उन्हें रिलीज़ करन दे विच। मतलब कि इतने नसैसरी की गल होगी तो हुण आपां आंसर लभदे हां उधरों, तो इतों आपां नूं ओवरव्यू पैरे का की आगा इस दे विच। ओह दस रहा कि भी उन्हें कोई हर किसी ने सपोर्ट नहीं की, पर फिर भी वह सारे का विरोध करता रहा। वो कहिंदा ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸੈਸਰੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚੇਂਜ ਨਸੈਸਰੀ ਟੂ ਸਟੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਓਵਰ ਡੈਵਿਸ ਅਰਲੀਅਰ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਸੈਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੇਂਜ ਨਸੈਸਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਸੈਸਰੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ 6।